हेलो बच्चों आई एम अर्चना चौधरी हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनिक्स अभी तक हमने देखा न्यूक्लियस माइट्रोकोन्ड्रिया और प्लास्टिक आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है साइटोप्लाज्म प्लाज्म ये है एक सेल सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो लिविंग मटीरियल होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्लाज्म न्यूक्लियो के एक्सेप्ट जितना भी लिविंग मेटीरियल सेल के अंदर होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म साइटो के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं उस हर कंपार्टमेंट को बोलते हैं ओरगेन और अगर साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दोनों को कहते हैं प्रोटोप्लाज प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेस ऑफ लाइफ हक्सले ने बोला था हक्सले ने बोला था आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडो एंडोमीन्स अंदर प्लाज्मिक मीस प्लाज्मा के अंदर रेटिकुलम मीस जाल मतलब प्लाज्मा के अंदर जाल के रूप में जो स्ट्रक्चर मिलती है उसे कहते हैं एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले कीथ पोर्टर ने की कीथ पोर्टर ने की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक फ्रेमवर्क बनाती है यानी कि स्केलेटन बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है जो न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई एक स्ट्रक्चर है और इसके बीच में जो स्पेस मिलता है उसे कहते हैं ल्यूमन उसे कहते हैं ल्यूमन ये टू टाइप की होती है एंडो रेटिकुलम टू टाइप की होती है नंबर एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ट्यूबुल्स ये स्ट्रक्चर की बनी होती है ना वो जिस पे राइबोसोम अटैच होते हैं जिसकी वजह से ये रफ दिखाई देती है और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है और दूसरी टाइप होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ मतलब चिकनी मतलब उस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते उन ट्यूबल्स पर राइबोसोम अटैच नहीं होते ये ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है सिर्फ इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करती लेकिन ये लिपिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है ओके बच्चों ये है एनसी ियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोवाइड करती है एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है क्योंकि इसके अंदर होता है ल्यूमन और इस स्पेस से जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई है ना रेटिकुलर में वो ट्रांसपोर्ट हो वो ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ क्योंकि ये किससे अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में और, और इन बिटवीन द साइटोप्लाज्म के बीच में भी ट्रांसपोर्ट का काम करती है ुलम्सो फंक्शन स्ट्रक्चर है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोवाइड कर, कर रही है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है यानी एक सरफेस एरिया को यह बढ़ा रही है क्योंकि ये है एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर फोर सम ऑफ द बायो केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल

एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की की डिस्कवरी किसने पोर्टर ने इन 1953 में टू टाइप की होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ राइबोसोम की वजह से कैसे दिखती है रफ दिखती है इसका काम क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरी टाइप की होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं उसकी एब्सेंस की वजह से ये स्मूथ दिखती है और उसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस का थ्री टाइप स्ट्रक्चर फाउंड तीन टाइप की स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है सिस्टरनी ट्यूब लाइक होती है ट्यूब लाइक -like और ब्रांच होती है और उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं दूसरी होती है ट्यूबोस ट्यूबोस जिसके ऊपर नहीं होते राइबोसोम अटैच और ये स्मूथ होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई थी वो पैक होती है वेसिकल्स के रूप में वेसिकल जो किनारे होते हैं ना ये टूट जाते हैं और वेसिकल्स के रूप में टूट जाते हैं और इसी में स्टोर होती है प्रोटीन और इसी में स्टोर होती है प्रोटीन और लिपिड और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेसिकल्स तो इसके कितने पार्ट हो गए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से तीन पार्ट की बनी हुई हुई सिस्टरनी, वेसिकल्स और ट्यूबोस फंक्शन गिव डेफिनेट क्योंकि एक फ्रेमवर्क का, का काम कर रही है स्केलेटन प्रोवाइड कर रही है बॉडी को प्रोटीन सिंथेसिस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे क्या हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन सिंथेसिस का लिपिड सिंथेसिस किसमें हो रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गिव प्लेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई के स्ट्रक्चर है प्रोटेक्ट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड पॉइजन ये हार्मफुल मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करती है कौन सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल वॉल एंड फॉर्मेशन क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये एक सेल की सेल वॉल से दूसरी सेल की सेल वॉल तक एक्सटेंड करती है और इसके बीच में जो लूमन होता है इसमें प्लाज्मा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूप में फ्लो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में फ्लो होता है इसी को बोलते हैं प्लाज्मा डैसमेटा प्लाज्मो डैस मेटा प्लाज्मा मीस प्लाज्मा डेस्टमेटा मींस होता है थ्रेड इस तरह से ये प्लाज्मा मेटा के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल से से के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है ठीक है बच्चों एक बार हम फिर देख लेते हैं आज हमने क्या देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस बस साइटो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है टू टाइप की होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होती है डिस्कवरी की थी कीट पोर्टन ने तीन टाइप की स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स फंक्शन होता है गिव डेफिनेट शेप एंड साइज प्रोटीन सिंथेसिस लिपिड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन फॉर इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड पॉइजन सेल वॉल एंड प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्मेशन ठीक है बच्चों आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में तब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए और खुश रहिए ऑल द बेस्ट